वो कहते हैं कि जी बच्चे थोड़े जज्बात में आ गए थे और मजहब के नाम पे मैं भी होता तो शायद इस तरह हो जाता। इस किस्म के यहां से स्टेटमेंट्स जा रहे हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और ये वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जाके उनके चैनल को विजिट करें और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जी जैसे कि आप देख रहे हैं हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर हम बात करेंगे जो 2 दिन से यहाँ पर हंगामा एक हो रहा है, आपने देखा ही होगा किस तरह से श्रीलंका के जो यहाँ पे थे मैनेजर थे किसी फैक्ट्री के अंदर सियालकोट में उनको मारा गया। उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनकी जान ले ली गई बल्कि उनको जिंदा कहना चाहिए जला दिया गया, किस तरह से सेल्फीज ली गई। और आज हमारे मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के वो कहते हैं कि जी बच्चे थोड़े जज्बात में आ गए थे और मजहब के नाम पे मैं भी होता तो शायद इस तरह हो जाता। इस किस्म के यहाँ से स्टेटमेंट्स जा रहे हैं। तो सर 57 के 56 कंट्रीज हैं इस्लामिक, सिर्फ ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? नहीं, कहीं और भी है। जॉर्डन में अगर आप अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं क्योंकि उससे आपका ऑनर खराब हो रहा था फैमिली का, तो आप पे केस नहीं चलता है। देखिए, हमने कत्ल और लोगों को मारने का इस्लाम के लिए या ईमान के लिए उसे नॉर्मलाइज किया है। आपको मैं तारीखी तौर पे बताऊं कि जब रसूलुल्लाह की डेथ हो गई और हज़रत अबू बकर को कुछ लोगों ने खलीफा बना दिया, तो एक जनरल रिबेलियन थी कि भाई हम ज़कात अपनी स्टेट को क्यों दें, हम पे ज़कात है 2.5% की, हम अपनी तरफ से देंगे। जो खजांची लोग थे उन्होंने कहा ये इसलिए थोड़ी मुसलमान आए थे कि हमारा पैसा बंद हो जाए, तो फौज भेज दी गई। खालिद बिन वलीद सामने थे, उन्होंने सहाबा थे जो डिस्प्यूट कर रहे थे कि ज़कात स्टेट को देनी चाहिए, या वो हमारे यहाँ आज भी बहस चलती है। उनकी बीवी को पकड़ के खालिद बिन वलीद ने रेप किया सबके सामने पब्लिक, फिर वो सहाबा की गर्दन काटी गई और उसके सर के अंदर सफाई करके खोपड़ी में खाना बना के खाया गया बेबा के सामने। ये हमारी स्टार्टिंग है। हमें जब बताया जाता है ना कुरान से कि जहां मिले उन्हें मार दो क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उसका नतीजा कुछ तो निकलेगा ना। क्योंकि कोई ऐसे रैशनलिस्ट तो हम नहीं है, कोई आर्कमिडीज प्रिंसिपल तो हमने नहीं निकाल लिया, ना सुकरात है ना कुछ है। एक दो इब्ने रुश्त वगैरह किंदी वगैरह समझदार लोग पैदा होते, वो 1258 के बाद तो ये जितने खान हैं आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, ये वहीं से आए हुए हैं ना, मंगोल से। खत्म 1258 के बाद, इट्स ओवर। व्हाट हैज बीन लेफ्ट इज द इजी कमांड, किल वेर यू फाइंड देम, मेरी लिखा हुआ कुरान में। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं किल वेर यू फाइंड देम, तो फिर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? भाई हम भी यही काम कर रहे हैं ना, किल वेर यू फाइंड देम। कभी ISI के थ्रू अफगानिस्तान में, कभी कश्मीर के अंदर, कभी 26/11 को बम्बई पे अटैक, कभी 9/11, कभी आज माली के अंदर 30 लोगों को मार दिया जिहादियों ने। आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC से आइसिस मुसलमान जिहादी युगांडा पे हमला कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इनको को आर्म्स कंट्रोल पैक नहीं है कि इन्होंने टेस्ट करना है कि इन्होंने नए बारूद इजाद किया? इनके पास से तीर कमान और ढाला और जेवलिन, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बनाया तक। तो जो फ्रस्ट्रेशन है हम पे कि नमाज की टोपी भी चीन से आ रही है बन के, खाने को नहीं है, भिख मंगे जो मुसलमानों को मारते हैं उनकी पूजा करते हैं हम चीन के अंदर, एक मिलियन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मुसलमान पड़े हुए हैं,
नो प्रॉब्लम. तो हम दरअसल एक इंतहाई टू फेस्ड फ्रॉडिये जो होते हैं ना, जो इस तरह मुंह मोड़ के उसको दूसरे लोग आंख मार देते हैं और इस तरह के यार साहब क्या बात है आपकी, क्या माशाल्लाह. वी आर पीपल हु कैन नॉट बी बिलीव टेकन फॉर देयर वर्ड. हम उम्र गलत बताते हैं, हम जूते का साइज गलत बताते हैं, हम अपनी पढ़ाई जो है वो गलत बताते हैं, महल्ला किधर रहता है वो गलत बता देते हैं, कुरंगी में जो रहता है वो कहता है डिफेंस के पीछे वाले महल्ले में. ये देर इज नो होप टिल देर इज एन अपराइजिंग फ्रॉम विद इन, और वो हो नहीं सकती क्योंकि हर समझदार आदमी, मैं आपको पाकिस्तान का रेंज बता दूं, नजम सेठी या परवेज हुड बॉय इस टाइप के लोग, या जो हमारे बलोच और पश्तून मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको आप ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, आप किसी से कुछ तवक्को नहीं कर सकते क्योंकि हर हबीब जालिम जो पाकिस्तान में था वो इलेक्शन हारा है. लेकिन सर यहाँ पे सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को नहीं मारा जा रहा, मुसलमानों को भी मारा है, वरना सलमान तासीर को मारा, उसके साथ मशाल खान. नो, मुसलमान तो वो उसी वक्त खत्म हो जाता है जब एक मुसलमान पे अपोस्टेसी का इल्जाम लगता है, वो खारिजुल इस्लाम है, शिया जो हैं वो काफिर हैं, इनको ये उधर से ये खुरफाक की तरफ से नहीं, ये इमामत में है. द शियाज हैव नो रिकग्निशन ऑफ द सिस्टम जो दमिश्क चला गया था और वह माविया बैठ गया और अबू सुफियान जो प्रॉफिट का दुश्मन था वो बन गया किंग मेकर, और जिन्होंने 18 साल तक मक्के को ऐसा तबाह किया कि हज नहीं हो सका, ये सब छोड़े हैं क्योंकि फंडामेंटली We are congenital liars. हमारे मुंह से सच नहीं निकल सकता. हम टू नेशन थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को, जबकि टू नेशन हो चुके हैं, वो बांग्लादेश आजाद हो चुका है, उसके बावजूद. लेकिन सर हमने ये भी तो देखा ना कि जैसे अभी जो है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट गए हैं सऊदी अरब, वहां तो किसी ने उसको आग लगाने को नहीं कहा, हमने किसी और इस्लामिक कंट्री में नहीं सुना कि इस्लाम के नाम पे मारा गया हो. वो अरब्स हैं, कुछ टर्क्स हैं, कुछ इरानियंस हैं, आप घटिया हैं. आप हिंदुस्तान में रह के कहते हैं लानत है हिंदुस्तान पे, कोई टर्क मिला है आपको, ये पाकिस्तान बना दिया, इसका मतलब ये हिंदुस्तान नहीं रहा, ये दरियाए सिंध खत्म हो गई, मोहनजोदारो और टैक्सिला और ये हड़प्पा वगैरह सब हवा में उड़ गए. तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कोई अरब यहाँ के ऐसा शहर बनाने के लिए, वो जिनका जिक्र नहीं अफगानिस्तान की हिस्ट्री में, वो आके सोमनाथ पे हमला कर रहे हैं लूट के, जो चोरी कर रहा है वो हीरो है हमारा, और जिसने गर्दने काटी हैं औरंगजेब अपने बड़े भाई की, दारा शिकोह की, जो वाहिद मुगल था जो पंजाबी था, फिर तो मारना ही चाहिए था साहब, ऐसे कैसे हो सकता कि मुगल हो और पंजाबी ना ना ना, और तो गला कटना ही चाहिए, बड़ा बदनाम किया सानू, पंजाबी बोल रहा सी साहब, और सर इतना सख्त दिल के उसको जिंदा जला रहे हैं, उसके साथ सेल्फी ले रहे हैं. नहीं नहीं, ये तमाश, ये सख्त दिल नहीं है, दिल है ही नहीं, ये तमाशबीन है, ये कुछ भी नहीं है. आप इनको दर्जा दे रहे हैं इंसानों का, ये अभी ये वहां तक पहुंचे नहीं कि इनके अंदर कोई इंसानी फीलिंग हो. ये तो बहनों के बॉयफ्रेंड को कत्ल करते हैं और फिर गर्लफ्रेंड रखते हैं एक अपनी, और उससे भी फिर शादी नहीं करते हैं कि तू झूठी हो गई. दिस वी आर, आई एम सॉरी बट यू आर लिविंग इन अ कंट्री इन विच देर आर नो एथिक्स, नो मोरालिटी, नो डिसेंसी ऑफ एनी काइंड. और जो बनते भी हैं लोग जिनके बड़ा एथिक्स है, उनके घर में 3-4 नौकर घूम रहे होते हैं. जब आप एक इंसान को नौकर पे ले आएंगे तो आप इंसान तो नहीं रहे ना, यू आर अ स्लेव ओनर.
हमारे कोई नौकर किसी घर में नहीं होता। अब मेरे सड़क पे 20 घर है, एवरी हाउस इज अबाउट $3 million, नोबडी हैज अ सर्वेंट। आपके जहां ये काम हम थोड़ी करेंगे, बर्तन धोने वाली अलग, कपड़े धोने वाली अलग, वो पुराने लाहौर में होती थी कि टटियां संभालने वाली अलग आती थी, वो पीछे से आती थी बाय द वे, और वो मुसलमान नहीं होती थी, वो क्रिश्चियन होती थी। यहाँ अभी भी ऐसे होते हैं, अभी भी बहुत बहुत लोग इसी तरह रहते हैं, बल्कि काफी लोग ऐसे ही रहते हैं। तो जब आप इंसान नहीं है तो फिर इंसानियत की तवक्को करना कैसे हो सकता। तो अब हर दूसरा आदमी शाम को बैठ के पोर्न देख रहा होता है, और वो कहता है या कितनी गलत बात है, वेस्ट को देखो, वेस्ट को देखो नहीं, तू देख रहा है। लेकिन सर यहाँ पे सर अब इनका होगा कैसे, लेके जब ये इमरान खान कहते हैं कि जी दूसरे लोग आएंगे हमारे मुल्क में नौकरी के लिए और उसके बाद हम उनका यह हल करेंगे, मार देंगे उनको। नहीं नहीं, ये तो खैर इमरान खान से बहुत पहले आए थे, ये तो ये फैक्ट्री पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए 5 साल से थे, वो उसको जाने दें। दिस इज एन आर्टिफिशियल कंट्री विच आपने एक दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन के बाजू काट दिए और ये आपका फख्र है। यानी पाकिस्तान की प्राइड ये है कि उसने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बाजू काट दिए और एक टांग पे नाच रहे खटखट अच्छा। और आज 6 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जा रहा है जी बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन मना रहे हैं और सब बड़े रो पीट रहे हैं, और मैं देख रही थी ट्विटर पे भी कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ यहाँ से जो आते हैं उन्होंने बड़ी ट्वीट स्वीट लगाई है, मैं तो चुपचाप देखती रही, मैंने कहा ये क्या नया नौटंकी है। बांग्लादेश नहीं याद आ रहा ना, फुकाई हुई थी ना वहाँ, आज ही के दिनों में हो रही थी, 16 तारीख भी आ रही है। आ रही नहीं नहीं, अब तक तो भाग हो चुकी थी, अब तक तो ये भाग रहे थे इधर, कप्तान फोन कर रहे थे कि सर की करना थे, कोई फौजी नहीं बचा। हेलो जी कर्नल जी, ये भागे, देयर इज नॉट अ सिंगल प्लेस वेयर द पाकिस्तान आर्मी एक्सचेंज बुलेट्स विद द इंडियन, ना आ गए ने, हाँ जी आ गए ने, अच्छा वो नसी ऐसी डलवान के चार जीपों में भाग गए। ये बड़े बेगैरत लोग हैं, इन्होंने POW कैंप में जाके सबसे पहले कहा कि हमें वो फिल्म दिखाई जाए, वो उस जमाने पाकीज़ा VCR दो जी, पाकीज़ा भी कहो जा आप। अच्छा वो है बड़ी अच्छी, वो अभी अभी भी वो फिल्म एवर ग्रीन मूवी है वो, हाँ इनकी चॉइस चॉइस बहुत अच्छी है हमारे फौजियों की, ये बात तो माननी पड़ेगी। वो बैठ के वो देख रहे, और फिर वहां से रेडियो पे पता क्या आता था, 1 साल तक बड़ पता नहीं नाम आते रहते हैं कि लता बदल खान चक फलाने से, इमरान वट्टू चक फलाने से, कैं को 100 नाम आते थे, और फिर कहा जा हम सब खारियत से हैं। लेकिन सर आप उस जमाने के डॉन पेपर को देखेंगे, वो लास्ट डे तक ये बताता रहा कि हम जंग जीत रहे हैं जबकि हम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। डॉन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम कोई और पेपर होता तो शायद डॉन से हमारे यहाँ बड़ा उसको बड़ी इज्जत है डॉन न्यूज़पेपर। नहीं नहीं है, मुझे मैं तो आई एम एन आई विटनेस ना, कराची प्रेस क्लब के अंदर जब सरेंडर हुआ तो यूनैनिमसली आपके बड़े बड़े चीदा चीदा जर्नलिस्ट ने कहा ओ यार जान छुट्टी यार, हर साल साइक्लोन के पैसे जाते थे, बुक्का बंगाली ये वो ऐसे, दिस इज इट। मैं और हमारे एक दोस्त हैं आबिद अली सैयद, रिटायर्ड जी है। जानती हूँ मैंने हम प्रेस्ट हम दो बदनसीब, हम इतने डिप्रेस थे इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान हार गया था, कि हमारे दोस्तों से हमेशा के लिए कट ऑफ हुआ, कुछ से तो अब मैं कनेक्ट हुआ हूँ जस्ट इन द लास्ट 1 ईयर, एंड वी हैड वेरी क्लोज रिलेशनशिप। कराची यूनिवर्सिटी 5,000 स्टूडेंट थे, इसमें से कम अज़ कम 1,000 ईस्ट पाकिस्तान से होते थे, उठना बैठना लतीफ़ों में हर चीज़ में, एंड दे वर गॉन ओवरनाइट, यानी फॉर नो रीज़न। ये इतने कमबख्त लोग हैं
पंजाबी के इन्होंने कहा कि बंगाली तो प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता, तो लिखिया हदीस के अंदर है बंगाली ना। वो मैं देख रही थी, हसन निसार साहब का एक इंटरव्यू था, तो उसमें वो कहने लगे कि ये इतना ज्यादा तंग किया गया था कि जब बंगालीज कहते थे कि हम वॉशरूम बनाने, तो कहते थे तुम्हें क्या करना है, तुम कहीं भी चले जाओ खेत उसमें जंगलों में निकल जाओ या पता नहीं कहाँ चले जाओ, कहते इंसल्ट करते थे उनके साथ जो पढ़ते थे उनके, मतलब उनके टाइम में जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में, तो कहते सीधा वो बात नहीं किया करते थे लोग। नहीं नहीं इनका ये जहाँ कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे उनका मेस अलग था। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होता है कि बंगालियों के साथ बैठ के खाता है तारे, बड़ा बेईमान उनसे बात नहीं करनी। जिस दिन मार्च 26 को अटैक हुआ ढाका यूनिवर्सिटी पे, तो ये हमारा कराची यूनिवर्सिटी के 4-5 ब्लॉक हैं हॉस्टल के, उसमें सारे आ गए लुंगी वाले, ओ कुट देना मार देना कितने बंगाली चोर टैं टैं टैं, ये 7-8 बंगाली थे हमारे साथ। देन आई सॉ 2-3 बलोच हु केम फ्रॉम द हॉस्टल, दे वर इनफ फॉर अबाउट 50 ऑफ दीज इडियट। हाँ चला जी मगर लाओ झगड़ा वगड़ा नहीं करो, इस तरह चले गए। दे वॉन्टेड टू बीट अप बंगालीज एट द हॉस्टल। हमारे साथ जो टीवी में इस पाकिस्तान के लोग थे जो लाहौर और कराची टेलीविजन में काम करते थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन बोथ साइड्स। जो उनके साथ मैंने देखा है वॉर के बाद ट्रीटमेंट, इट इज यू विल नेवर बिलीव इट कि किस तरह हमारे लाहौर टेलीविजन में एटीट्यूड था इनका बंगाली के साथ। कहते ना इनका बाथरूम जो है ना वो भंगियों वालों के साथ कर दो। आपको पता है कि जो जैनिटर्स हैं उनका बाथरूम अलग होता है पाकिस्तान में, बिल्कुल। तो आप सोचिए ऐसे लोगों और सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सर उसके बाद ये कहते हैं कि ये इंडिया ने करवा दिया, फिर सारा ब्लेम इंडिया पे चला जाता है कि जो पार्टीशन हुई है सॉरी इस वक्त 71 में, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, हमने तो कुछ नहीं किया। आपने आपके पास फौज थी ना, आप कुछ कर लेते भैया, बंदूक चला लेते, पिस्तौल गुलेल जो भी थी आपके पास, आपसे देते चक्कू भी नहीं निकला बिहार से जो आप लेके आए थे साथ, मैं चक्कू मार दूंगा यूं करके, कुछ भी नहीं चला। वहीं बोले अरे भैया हमको अरेस्ट कर लो प्लीज, बंगाली मारेंगे। अंदाजा लगाइए POWs को इंडियन ने कहा अच्छा पिस्टल रख लो साथ, They would have been slaughtered. India ने पाकिस्तान को बचा के फौजी भेज दिए, एक नहीं वापिस आता। 8 लाख लड़कियों को रेप कर दिया आपने, माय गुडनेस, और ये इस्लाम फैलाने गए थे ऐसे ही फैला रहे होंगे ना पॉपुलेशन फैला के। नहीं नहीं they claimed के in we will change Bangladesh in one generation. The official command was to rape Bangla women so that the children would not be 100% Bangla, their fathers would be Punjabi. लेकिन इस सब में इंडिया पे ब्लेम जो लगाते हैं, कहते हैं जी इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया की वजह से जो है बांग्लादेश बनाया, और इंडिया भी ये कहता है कि जी हमने बनाया है, तो वो क्रेडिट कहां तक सही है इंडिया का कहना? भाई दिसंबर 3 को पाकिस्तान ने एयर अटैक किया इंडिया पे, इंडिया ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में दे एंटर्ड ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त तक तो मुक्ति वाहिनी से लड़ाई थी ना, जो पूरा 10 महीने का दौर है उसमें तो पाकिस्तान फौज और मुक्ति वाहिनी की लड़ाई थी, इंडियन आर्मी तो नहीं थी उसमें। इंडिया में तो कोई कम से कम 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज बैठे हुए थे कलकत्ता में, वॉज अ बिग प्रॉब्लम। बट बात फिर वही सियालकोट की आती है, दिस सियालकोट इज नॉट अ सिटी, नॉट अ प्लेस वेयर द क्राइम टुक प्लेस, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु वी आर। हमारे दिल के अंदर लिखा हुआ है सियालकोट, हमारी सोच है कत्ल गारत करना, बीवी को मारना, बच्चों को मारना, बहू को मारना, ननंद को तंग करना, मतलब आर इंटायर स्ट्रक्चर इज to not have happiness around us. Aapki happiness bhi contrived hai, aapki laughter bhi contrived hai,
जो नॉर्मल लोग हैं, जो मासूम से हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर इलिटरेट. द ओनली गुड मुस्लिम यू कैन एवर रन इनटू इज वन हु हैज एम्ब्रेस्ड इस्लाम बेस्ड ऑन हियरसे. अनपढ़ हैं, खैर 1800 ये सर ये वो कंट्री है जहां पे अभी न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर मनाने पे अरेस्ट कर लेंगे लोगों को, वैलेंटाइन आएगा वैलेंटाइन मनाने पे अरेस्ट कर लेंगे कि दो लोग जो है बाहर कैसे निकल गए. अच्छा वो तो निकल ही गए, लेकिन वो अपर क्लास के लोग निकलते हैं, आंटियां इम्मी आंटी मैं उन्हें कहता हूँ, वो जाती हैं वैलेंटाइन, वैलेंटाइन से आप किसको पता है ठट्ठा के अंदर वैलेंटाइन क्या होता है. ये खेल आपकी अपर मिडिल क्लास ने अलग बनाया हुआ है, और बाकी लोग कचरा जो है जो घर आते हैं, माली ये कर दो और चौकीदार जरा देखना कुत्ते का खाना रख देना बाहर, आज खाने में क्या पक्का है वासी. लास्ट आई वेंट 2006 टू पाकिस्तान, मैं 18 साल बाद गया था, उसके बाद मैं गया भी नहीं हूं. मुझे कल्चरल शॉक हुआ देख के द वे सोसाइटी वर्क्स ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ हु डज व्हाट. गाड़ी का पानी भर देना लोटे के साथ, वो आगे रेडिएटर में नहीं डालते, वो अलग होता है. फिर वो गाड़ी को साफ कर देना, वो अलग होता है. चौकी हम जहाँ मेरे फादर का अपार्टमेंट था, वहाँ के चौकीदार ने मेरे फादर के पास टीवी सेट था कराची में, कराची की बात कर, कराची में इसका ऑडियो नहीं था, तो मैंने कहा यार वो टीवी नहीं चलता है, तो नया टीवी आ गया. तो चौकीदार ने कहा कि आप ये साहब मुझे टीवी दे दे. तो मैंने कहा इसमें आवाज नहीं है. बोले हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारे घर में तो कोई उर्दू बोलता भी नहीं है. वो जैसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनके दो टीवी रखे थे ऊपर नीचे, एक में पिक्चर आती थी और एक में आवाज आती थी. तो वो जो ऊपर पिक्चर आती थी नीचे वाली की आवाज उसके साथ सेट करते थे कि कौन सा चैनल आ रहा है. तो वो कराची के लोग कुछ भी करते. लेकिन यहाँ सोचिए कि वो दी पश्तून गाय हु वाज द चौकीदार ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ही वाज सो सरप्राइज्ड, ही सेड बट इट डजंट मैटर, हमारी जबान जो है वो तो टीवी पे आती नहीं है. उस जमाने में अरबी न्यूज आया करती थी, और कराची की सबसे बड़ी पॉपुलेशन पश्तूनों की है, पश्तो में आपको एक लफ्ज नहीं मिलेगा कराची टीवी पे. अच्छा वो भी सुना मैंने ये था बचपन में कि ये उर्दू स्पीकिंग जो थे ये वहां से जो आए थे तो उनसे काम अब तो होता नहीं था, तो ये पठानों को लेकर आए, इन्होंने कराची बनवा दिया पूरा, खड़ा कर दिया, आप कहते निकलो इधर से, तुम्हारा नहीं है ये. इनको और लोग निकालेंगे, अब आप फिक्र नहीं करिए. ये आजकल सब सिंधु देश के वो हामी हो गए, आपने नोट किया होगा. मोर लॉयल देन द क्वीन वाली बात है कि बड़े बड़े अजीब अजीब महाजिर जो है वो आजकल सिंधु देश की बात कर रहे हैं. जैसे बेवकूफ बना लेंगे किसी को, बट डजंट मैटर, वी आर ए